नमस्कार, प्रेमवदा फार्म्स में आप लोग सभी का स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए ताकि हमारा चैनल और ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारे चैनल पे जो है हमारे सारे प्रोग्राम में बाकी लोग भी हिस्सा ले सके। आज जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं ये अपनी जो दो गाभिन गाय है जिसको बच्चा देना है उस पर बना रहे हैं। आज तारीख है 18 तारीख है और आज अब इसका आप थन देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट अपना पूरा पूठा तोड़ चुकी है। यहाँ दिखाइएगा दास जी, ये देखिए यहाँ से भी इसका पूठा तोड़ दिया इसने और ये भी एरिया इसने ढीला कर दिया है अपना। तो अब ये किसी भी समय बच्चा दे सकती है। इसमें जो है इसके थन को अगर देखिएगा तो थन भी अपना पूरा साइज़ ले चुका है। ये थन पूरा इसका पूरा अपना साइज़ ले चुका है और ये हल्का सा इसमें पानी उतरा है। तो ये जब ये बच्चा दे देगी तो उसके बाद इसको धनिया वगैरह हम लोग देंगे और ये ठीक हो जाएगा। ये मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसको जितना इसका हेल्थ पे हम लोगों को काम करना था वो हम लोग कर चुके हैं और ये अब मतलब रेडी है बच्चा देने के लिए। कभी भी बच्चा दे सकती है। 21 तारीख को इसका 9 महीना पूरा हो जाएगा। तो 9 महीने 6 दिन हम लोग लेके चलते हैं, मतलब मैक्सिमम 27 दिसंबर तक मानते हैं, लेकिन ये बच्चा आपको उतना टाइम नहीं लेगी। ये 2 से 3 दिन में मैक्सिमम या 1 से 2 दिन में बच्चा आप दे देगी क्योंकि इसका एकदम सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें कुछ भी ऐसा पॉइंट है नहीं जो बचा है कि ये बच्चा रोके। इसको हम लोगों ने जो खिलाया है वो भी हम लोग आपको बताए हैं कि इंटा वीटा NH हम लोग दे रहे थे इसको, मतलब वाइटम एच दे रहे थे साथ में उसके। इसको जो है 4 से 5 किलो हम लोग जो है दाना दे रहे थे। इसका हेल्थ भी आप देख लीजिए कि कितना बढ़िया है, एक भी हड्डी इसका अभी दिख नहीं रहा है सही से। तो ये अपना पूरा और पूठा भी देखिए तोड़ चुकी है। यहाँ ये देखिए गड्ढा हो गया है, ये गड्ढा हो गया है दोनों, और पीछे भी अब ढील रही है। जब बच्चा दे दे, अब हम लोग मतलब आज दे दे कल दे दे, जब भी बच्चा देगी अपडेट करेंगे। ये स्पाइक के सीमन से प्रेग्नेंट थी तो इसका रिजल्ट जो है अब जब आए तो हम लोग उसको अपडेट करेंगे कि ये क्या बच्चा दी है, कैसा बच्चा है। बच्चे का वीडियो भी हम लोग डालेंगे सो दैट कि आप लोग देख लीजिए कि आप लोग हमारे यहाँ हम लोग कैसे ब्रीडिंग प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं। और ये हमारी दूसरी जो साहिवाल गाय है रणधीर, इसको पकड़ना ज़रा। ये भी अब थान पूरा छोड़ना धीरे धीरे शुरू कर चुकी है। ये और इसमें 8 से 9 दिन का गैप है। और इसको पकड़िएगा सुरेंद्र जी, इसको अब 9 दिन का गैप है, 9 दिन में ये बच्चा देगी। और इसका बच्चा आपको 30-31 दिसंबर तक आएगा, या हो सकता है कि उसमें 2-4-5 दिन आगे पीछे और ले ले। तो इसको भी हम लोग 2 से 2.5 किलो दाना दे रहे थे ट्रांजिशन फीड और साथ में जो है साइलेज और भूसा दे रहे थे। हरा चारा भी हम लोग का 15-20 दिन में हरा चारा मक्खन ग्रास निकलने लगेगा, तो मक्खन ग्रास चालू हो जाएगा जब तक ये लोग बच्चा देंगी। तो इन लोग से हम लोग दूध का एक्सपेक्टेशन भी हम लोग का जो है अच्छा रहेगा कि दूध भी ये ज़्यादा देंगी और स्वस्थ भी रहेंगी। और चंद्रा जी पीछे से इसका थन दिखा दीजिए, जो थन बनाई है ये देखिए। अभी भी थन में थोड़ा बहुत गैप रह गया है, ये अंतिम का एकदम थोड़ा सा 1-1.5 इंच का गैप है। तो जब बियाएगी, बियाने से 1-2 घंटे पहले और थोड़ा बहुत जो रिलीज़ करेगी उसके लिए बस बचा है। तो बाकी सारा गैप अभी इसका फुल हो चुका है जितना इसको होना था। अब इससे ज़्यादा ये उम्मीद नहीं है कि जाएगा इसमें, और अब एक्सपेक्टेड है कितना दूध देती है वो देखने वाली बात होगी। थन अच्छा बनाई है, उम्मीद हम लोग को जो है उस उम्मीद पे खड़ी उतरी, तो ये 25 लीटर प्लस में इस बार जाना चाहिए इसको। और इसके बच्चा को, चूंकि इसका बच्चा जो है स्पाइक का आएगा, तो हम लोग उसको 5-5.5 लीटर दूध लगातार 3 महीने पिलाएंगे और साथ में जो है ट्रांजिशन फीड चलेगा। अभी हम लोग वेंकीज़ का फीड दे रहे हैं, देखते हैं कैसा उसका रिज़ल्ट आता है। जैसा रिज़ल्ट होगा वैसा हम लोग उस पर काम करेंगे फिर फीड पर। और यही आज का अपडेट है दोनों गायों का जो प्रेग्नेंट हैं। ये 1 से 2 दिन में बच्चा दे देगी, इसको भी 10-12 दिन है। तो अभी हम लोग इसको वेट कर रहे हैं कि ये कब तक अपना बच्चा देने वाले पोजीशन में आती है। अभी पूठा उठा कुछ भी नहीं तोड़ी है,
बस थान छोड़ना शुरू की है, ये तो पूरा एकदम रेडी है बच्चा देने के लिए आपकी। इसका सब कुछ मतलब पूरा एकदम इसका कैरेक्टर आ गया है कि अब इसको बच्चा दे देना चाहिए, अब ये जब बच्चा दे दे। खाई पी है अच्छे से तो स्वस्थ है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको, और हमको नहीं लगता है कि जेल गिराने वगैरह में कोई दिक्कत आना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इसके डाइट पे हम लोग फोकस किए हैं वो बहुत सही रहा है। तो यही था अपडेट अपने फार्म का, दोनों गायों का। और इसके अलावा दो गाय हमने इस बीच में ड्राई किया है, केपरा विन लगा है दोनों गाय में, 15 और 16, वो भी हम निकाल के दे दे रहे हैं। एक 16 नंबर गाय हमारी है जो चूँकि वो 20-21 लीटर ही दूध करती है, तो उसको हम लोग बेचेंगे। तो अगर कोई आदमी चाहते हैं कि हाँ अभी गाय ले लें और थोड़ा काम करके उस गाय को अपने यहाँ लेके जाएं, तो लेके जा सकते हैं, वो हम एक अलग वीडियो बना देंगे। वो गाय आप लोग मतलब चाहें तो आप हमसे ख़रीद सकते हैं, चूँकि उस गाय को हमको हम अपने फार्म पर अब 30 लीटर से नीचे पर गाय नहीं रखना चाह रहे हैं, 25 लीटर से नीचे, तो इसलिए हम लोग उस गाय को हटा रहे हैं। वो गाय अच्छा परफॉर्म की है, 4000 लीटर दूध दी है अपने यहाँ, 21.94 उसका हाईएस्ट पीक यील्ड था। और वो शरीर से जो है वो थोड़ा देसी में है, तो उसमें हाफ ऊफ नहीं होता है, हाफनी उतना वो नहीं खींचती है, तो उसका भी वीडियो बना के हम लोग डाल देंगे, आप देख लीजिएगा गाय को। और ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।